ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 171। आज की मुरली का विषय है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियां। कैसे हम नष्टो मोहा बने, ये बाबा ने मुरली चलाई थी 22 जुलाई 1972 को। अपने को हरेक स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप समझते हो? स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा। गीता के 18वें अध्याय में क्या लिखा? नष्टो मोहा स्मृति। जब मोह नष्ट हो जाएगा तब स्मृति स्वरूप बन जाए। क्या संबंध है दोनों शब्दों का, दोनों बातों का क्या संबंध है? मोह है तो क्या स्मृति नहीं हो सकती? मोह है तो स्मृति नहीं हो सकती? फिर देह अभिमान है, देह याद है, देह के संबंध याद है, देह की वस्तुएं याद है, तो देह अभिमान में है तो फिर आत्म अभिमानी स्थिति या स्मृति स्वरूप नहीं। जानना नहीं है, स्वरूप बनना है, अंतर है ना। जानते तो होंगे अब, जैसे हम जानते हैं कि हम आत्मा है, पर तो हम अपने आप को देह समझकर देह के संबंधियों में फंसाए बैठे हैं, तो हम आत्म स्वरूप तो नहीं है ना, स्मृति स्वरूप तो नहीं है ना। स्मृति स्वरूप माना जब हम सब के साथ रूहानी व्यवहार कर रहे, रूहानी नियम हमारे जीवन में दिखाई दे। स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्ट मोहा हो जाते हैं, तो ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? जरूर कोई ना कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है, रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला पहला वायदा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या ये पहला वायदा निभाने नहीं आता है? ये पहला पहला वायदा निभाने नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के पूज्य में राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? क्या सेकंड में जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं, पहले जन्म का राज्य तो पूरा नहीं निभाएंगे तो वो दूसरे जन्म के राज्य में आएंगे। समझ रहे हैं? पहला वायदा कहो, कहो है ये, पहला वायदा कहो या पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म की सर्वश्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में
स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, ये कोई जन्म में मुश्किल लगा? इस जन्म में भी क्या आपको मुश्किल लगा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? नहीं लगा? यही हमें पैदा होते ही समझाया गया, फिर सारी जिंदगी हम भूले? नहीं भूले। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, नहीं, जन्म लिया जो बताया हमने वही माना ना। ये कोई जन्म में मुश्किल लगा? क्योंकि जन्म का मतलब जब जन्म लिया, जिस जन्म हमें जो कुछ बता दिया गया हमने अपने आप को वही मान लिया। सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए हैं, आए हो। अब कोई राजा का बेटा है उसको सारी जिंदगी याद रहता है मैं राजा का बेटा हूं। यही कहते हैं ना भाई, वो तो तुम्हें याद, वो नशा, वो अहंकार उसमें रहता है ना, मुझे क्यों भूल जाते। स्मृति स्वरूप बनते आए हो ना, तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही ये है कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, वो कर सकता है। पशुओं और मनुष्य आत्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्य आत्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वे नहीं कर सकते, तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकते, लेकिन जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे, जब प्रकृति चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे, वैसे कर सकते। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो, वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं है लेकिन हो जाता है, जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। ये बोल मास्टर सर्वशक्तिवान के व श्रेष्ठ आत्माओं के, साधारण आत्माओं का है। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं कहला सकते हो? आपको कहा जाए कि आप साधारण आत्मा हो, भगवान से पढ़ने वाले सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर से पढ़ने वाले, उनको कहा जाए साधारण आत्माएं हैं? अपने अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो उसको भूल जाते हो, किसी भी वस्तु से वा किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? किसी भी व्यक्ति से, व्यक्त
संसारिक भाव से, संसारिक वस्तुओं से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वे और ये वस्तुएं, तुलना करो ना, उनों में रात दिन का अंतर नहीं अनुभव होता? नहीं हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? अभी और अनुभव करना है दुख और अशांति का? कैसे कैसे लाइनें ढूंढ के लाते हैं, सुख अशांति का बोलता तो अभी चलो सोच लेते, सुख शांति का बोलता ना, हाँ सुख दुख अशांति से अनुभव नहीं किया क्या अभी? और करना है। जो व्यक्तियां मतलब जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजें हैं देखते हो उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को वा संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है। उसे भाषा का भी बहुत एक्सपर्ट है। कहीं कहीं मैं देखता हूं बाबा वो शब्द प्रयोग करता है जो हमने सामान्य रूप से ग्रामर के रूप से कभी प्रयोग नहीं किए। अब यहां पे व्यक्तियां आए, हाँ, मतलब कहने का हमने प्रयोग नहीं किया कभी, कभी नहीं किया। अब नया वर्ड है, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, मैंने देखा है, बहुत बार देखा है, और बाद में मैंने उसको जाके देखा ग्रामर में भी, तो वाक्य में ही राइट है, मतलब ग्रामर के हिसाब से बोला हमने प्रयोग नहीं किए। पर तो ये होता है कि कुछ तो बाबा ऐसे प्रयोग करता है जो दुनिया में आम प्रयोग होते हैं, कुछ विशेष भी प्रयोग करता है जो ब्रह्मा बाबा को भी मालूम नहीं होगा। नहीं मूंझते मुझाते ये तो हमारे मतलब आम लोग सिंधी भाषा में कॉमन है ना, पंजाबी जो है सिंधी जो है उनमें व्यक्त अव्यक्त अलग है, मतलब व्यक्तियां शब्द देखो ना, व्यक्तियां ऐसे शब्द बहुत सारे आते हैं, जैसे अब ये उर्दू भी ज्यादा होती है। हाँ ब्रह्मा बाबा उर्दू ही जानते थे ना, जो भाषा वही जानते थे, लिखते थे पत्र। हाँ फिर कहते हैं भाई हिंदी में वो होता था, मेरे पास बाबा का लिखा हुआ पत्र रखा है ना, ऊपर फ्रिज पे रखा हुआ था, उठा के लाना जब देखना। मतलब कहने का है कि वो उर्दू में लिखते थे, फिर यीशु दादी हिंदी में साथ में लिखते थे, मतलब साथ साथ लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और उर्दू में भी लिखा हुआ है। भी ज्यादातर बाबा बोलते थे तो मम्मा लिखते थे फटाफट, जो भी लिखता हो वो उस टाइम पर जो भी थे। मतलब कहने का मेरा ये है कि बाबा उर्दू ही जानते थे, नहीं हिंदी में, अंग्रेजी भी थोड़ी जानते थे क्योंकि विदेशों में जाना आना होता था। जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? भाई नया जन्म ले लिया तो पुराने रिश्ते थोड़ा याद आते हैं, सब खत्म। तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो? जबकि वे जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। वा तो ये क्या, वा तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा वा श्री कृष्ण और यदि नहीं बदला वा तो ये कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ। जब तक हम अलौकिक जन्म नहीं लेंगे तो साधारण रीति हुआ ना, साधारण से जहां जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है, तो यहां फिर
या फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों, व कर्म फिर लौकिक क्यों, संबंध लौकिक से क्यों, कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोहन होना सहज है या मुश्किल है? मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखती, अपनी शक्ल नहीं देखती हो, आईना तो मिला हुआ है ना, मैंने तो अपना आईना सामने लगा रखा है, परंतु शक्ल देखने के लिए कौन सा आईना है? जिसको उठा के घूमना भी ना पड़े, जहां मर्जी आए वहां देख सको, ठीक है ना, जब मर्जी आए देख सको, वो है बाबा की श्रीमत। बस मेरा कर्म बाबा की श्रीमत पर है, ठीक है, नहीं है तो रोक दो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल को देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। आईने में अपनी शक्ल देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये देखने का अभ्यास पड़ जाए, उस शीशे में अपनी शक्ल देखने की आदत पड़ जाए, तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने की तरफ खिंच जाएंगे। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, इधर से आएंगे शीशा देखेंगे, इधर से आएंगे शीशा देखेंगे, प्रोग्राम नहीं बनाते, प्रोग्राम नहीं बनाते, लेकिन ऑटोमेटिकली आने तरफ चले जाते हैं। ये नहीं कि सोच के जाते हो, उनकी आदत पड़ी होती है, बस मैंने जाना है देखना है अपनी शक्ल देख के आना, हाँ ऑटोमेटिक मोड संस्कार बना लिया, इधर से जाना है तो अपने आप को देखना है, इधर से जाना है तो अपने आप को देखना है, आना है तो देखना है, उठना है तो। ऐसे ही आपकी भी आदत पड़ जाए अपने आप को देखने, और वो भी कौन से दर्पण में? जो दर्पण बाबा ने दिया है, ज्ञान समृत, क्या बोलते हैं, श्रीमत, श्रीमत रूपी आईने में देखना, क्योंकि अभ्यास है। ये भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही उसको ठीक कर देते हैं, वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तव का स्वरूप है इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्पों का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप, व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते, फिर ये मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है, सहज नहीं है। जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं, तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो, जो बाप दे सकते हैं क्या वे ये विनाशी आत्माएं इतने में जन्मों में दे सके? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं ये चीज वे प्राप्ति नहीं करा सकी हैं और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है, तो
तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? एक जन्म में प्राप्त हो गई, फटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में, वा ठिकाना देने वालों में। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो अब बाप का भी आप आत्माओं से ये एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वो सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वे बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा, अपने स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब जाता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध, तब मोह जाता है क्योंकि मेरा बेटा है। अब उसको कोई, अब दुनिया की कोई ताकत उसके मुंह से उसे निकाल नहीं सकती। मेरा संबंध है, कोई भी रिश्ता हो, मोह नहीं जाता। मोह तो फिर आ गया, तब मोह जाता है जब सारे संबंध क्या हो जाएं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। ये तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन। अब मेरा कौन? फिर दूसरे को मेरा कहा तो पहली फेल तो पहली में फेल। ये प्रश्न पूछ रहा है बाबा, बताओ। ऐसे टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछने चाहिए, सख्त सख्त प्रश्न। अब घर मेरा है, मैं कैसे ना कहूं कि ये घर मेरा है? मेरा करोगे तो दुखी, परंतु यहाँ तेरा भी तो नहीं कहता ना, कहता बस। हाँ बस, ट्रस्टी बन जा। बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो, तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर हद के जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना हो समय, जितना ही समय और संकल्प लगाती हो, उतना ही निभाने की बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फर्ज निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं के भी भाग्य बनाने की बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनती हो। जो फिर वे आत्माएं भी आपके अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाते हैं। तो फर्ज के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा लेते, बीमारी लगा लेते। ये मोह का मर्ज है, मोह की बीमारी है, और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फर्ज समझ रही हो, क्या शब्द ढूंढ के लाया ना बाबा, जिसको फर्ज समझ रही हो, वो फर्ज बदल कर मर्ज का रूप, वो फर्ज क्या बन गया है, बीमारी बन गया है। मेरे बच्चे, मेरा घर, वो बीमारी मोह की बीमारी लग गई है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूं, फलानी बंधन वाली हूं, वाह मैं फलानी जिम्मेवारी
वाली हूं। इसके बजाय अपने पांच मुख्य स्वरूप स्मृति में, जैसे मैं पंचमुखी ब्रह्मा, जैसे पंचमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, देखा आपने पंचमुखी ब्रह्मा, पंचमुखी हनुमान देखा, पास ये फटाफट याद आ गया, पंचमुखी ब्रह्मा याद नहीं आ रहा, अंदर नहीं गया, जाके देखो। हाँ, गधे का भी सिर लगा रखा है, दुनिया भर के सिर लगा रखे, पांच सिर लगा रखे, इनके घर के पीछे ब्रह्मा नहीं है, वो पंचमुखी हनुमान का मंदिर, वहां पे हनुमान मंदिर है हमारे साथ में। पंचमुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, तीन मुख भी दिखाते हैं, पंच मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी पंच मुख मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें तो मर्ज निकल विश्व के कल्याणकारी के रूप में फर्ज में चले जाएं। पंचमुखी ब्रह्मा की स्टोरी ये है कि सरस्वती जो बेटी है, मतलब उसकी कहानी लिखी है कि वो जो है ना ब्रह्मा के फेस को समझ गई कि इसके विकारी विचार चल रहे हैं। अब उसने अपने आप को छुपाने के लिए चारों दिशाओं में गई, जिधर जाए ब्रह्मा की नजर उसके ऊपर, जिधर जाए ब्रह्मा की नजर उसके ऊपर, और हाँ अल्टीमेटली वो फिर आकाश में चली गई, तो पांचवा से ऊपर भी नहीं कराया, कहाँ जाएगी, मतलब क्या कहानी घड़ी है, मतलब कहानी क्या घड़ी है, मतलब ये समझ सकते हैं। चार मुख के साथ कहानी यही है कि उसने जो ज्ञान सुनाया चारों दिशाओं में फैला। तीन मुख इसलिए दिखाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का, अब वो तो विकारी दृष्टि वालों ने कहानियां विकारी लिखनी थी, उन्होंने जैसी उनकी अपनी दृष्टि थी वैसे उनकी कहानियां लिखनी थी, उन्होंने अच्छी कहानियां कहां से लिखनी थी, मतलब उनका अपना है विचार, जो मर्जी लिख दे, कहानियां तो कहानियां लिखने वाले के अपने अपने स्टैंडर्ड है ना, अपने स्टैंडर्ड से लिखेगा। वे स्वरूप कौन से हैं, जिस स्मृति स्वरूप में रहने से ये सभी रूप भूल जावे, स्मृति में रखने के पांच स्वरूप बताओ, जैसे बाप के तीन रूप बताते हो वैसे आपके पांच रूप हैं। मैं बच्चा हूं, हाँ मैं बच्चा हूं, नंबर दो मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, नंबर तीन मैं रूहानी यात्री हूं, नंबर चार मैं योद्धा हूं, और नंबर पांच ईश्वरीय वा खुदाई खिदमतगार। बाबा के तीन रूप और हमारे दो फालतू, ये जुल्म है कि नहीं है, अच्छा फालतू इसलिए मास्टर लगाया इसलिए फालतू है। चलो अपने पांच रूप सारा दिन याद रखो, कौन कौन से पांच रूप हैं, मैं बच्चा हूं, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, ईश्वरीय खिदमतगार सेवाधार हूं। बच्चा तो बाप के रूप में आ गया, गॉडली स्टूडेंट टीचर के रूप में आ गया, बाकी जो तीनों हैं यात्री योद्धा और खुदाई खिदमतगार, ये जो है तीनों गुरु के रूप में आएंगे, क्योंकि जीवन मुक्ति इन तीनों से मिलनी है। जी ठीक, ये पांच स्वरूप स्मृति में रहें, सवेरे उठने से बाप के साथ रू रिहान करते हो ना, ये पांचों प्रिंट करके अपने सामने रखो, फिर रू रिहान करो,
बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते हो, आप संबंध बता रहे ना एक एक का। तो सवेरे उठने से ही अपना ये स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूं, तो फिर गृहस्थी कैसे कहां से आवेगी? मैं तो बच्चा हूं, बच्चा हूं तो बच्चे की तो गृहस्थी होती नहीं, अब शादीशुदा बच्चा भी नहीं होगा गृहस्थी वो बच्चा ही है, वो शादी नहीं कर सकता, फिर कुमार है वो या कुमारी है। चलो ठीक है, याद रखना पड़ेगा ना। और आत्मा बाप से मिलन मनावे तो मिलन व सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए। आत्मा बाप से मिलन मनाए तो मिल गया ना सब कुछ, ऐसे मिलो सवेरे बाबा से, तो फिर बुद्धि यहां वहां क्यों जाएगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले की इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमजोरी है। सवेरे सवेरे नहीं करते तो ये अमृत वेले की स्मृति की क्या है? कमजोरी। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हैं। सवेरे क्या याद आते हैं? क्या करूं बाबा, नहीं होता बाबा, सवेरे सवेरे क्या करेंगे? बस जिसने कुछ पाया, जिसको कोई खुशी मिली, जिसको कोई मजा आया, वो तो बात करेगा बाबा से ना। जिसको कुछ मिला नहीं, जिसने कुछ पाया नहीं, वो सवेरे बाबा के साथ बैठ नहीं सकता, उसे नींद आने के सिवाय और कुछ हो नहीं सकता। ऐसे ही सारे दिन में अगर ये पांचों रूप ही समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया मुश्किल का कारण ये है जो शक्ल को नहीं दिखाती, देखते अपनी शक्ल नहीं देखते हो, तो सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, मतलब कुछ मेरे चेहरे पर लग तो नहीं गया, मतलब शीशे के सामने देखने का मतलब ये होता है कुछ मेरे चेहरे पर लग तो नहीं गया, तो इसलिए सारा दिन इस शीशे में थोड़ी थोड़ी देर बाद देखो कुछ लग तो नहीं गया। स्वरूपों की के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया, देखने से बिगड़े हुए रूप को सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा? अभी ये तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने, बता दो बाबा को। तो बता दिया। नष्टो मोहा ऐसे बने, कैसे? शब्द को ऐसे शब्दों में बदल देना है जैसे ये स्मृति में लाती हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है? कैसे बने इसके लिए बजाय ऐसे बने इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो, ऐसे बन ही जावेंगे। अच्छा, ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा,
और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।